तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का पाठ है योग्य चुनाव। योग्य का मतलब क्या होता है? सही। और चुनाव का मतलब चुनना, सही आदमी को चुनना, यानी योग्य चुनाव। सुनो और दोहराओ। राजा मंगल सिंह के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सिंह ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर करे काव काव ढिंढोरा पिटने लगे। देखिए, एक राजा था। राजा का नाम क्या था? राजा मंगल सिंह। और उसका मंत्री जगतराम, वो बूढ़ा हो चुका था। अब वो मंत्री सेवामुक्त होना चाहता था, तो राजा ने सेवामुक्त होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। शर्त क्या थी? राजा ने जगतराम को बताया कि तुम्हारे जैसा सेवाभावी और परोपकारी और ईमानदार आदमी इस राज्य के लिए दे दीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है, तभी ही आप सेवामुक्त हो सकते हैं। जगतराम ने सेवामुक्त होने का मन किया था और जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा यानी कि तरह की अनाउंसमेंट। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, सबको बताओ राज्य के मंत्री का चयन अगले गुरुवार को होने वाला है, ये सब राज्य में फैलाओ। और इस पद के लिए जो भी कोई इच्छुक है वो इस राज दरबार में पहुंचे। कितने बजे? 11 बजे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे। हरकारे गांव में ढिंढोरा पिटने लगे। लोग ढिंढोरा होता है वो बजाते हैं और लोग वो संदेश लोगों में फैलाते हैं, उसे ढिंढोरा पिटना कहते हैं। उसके बाद चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए, चयन वाले दिन यानी जिस दिन चुनाव था राज दरबार में, उस राज दरबार के रास्ते पर एक दृश्य था। वो दृश्य क्या था? सैकड़ों की संख्या में लोग राज दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों के बहुत से लोग राज दरबार की ओर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें मंत्री बनना था, जगतराम की जगह लेनी थी। पर रास्ते पर एक वृद्ध बूढ़ा आदमी दुखी सा हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया, उसकी एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी का एक पहिया, बैलगाड़ी को दो पहिए होते, उसका एक पहिया रास्ते के किनारे
कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने लोगों को विनती की कि मेरा बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया, मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो। लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, वो सहायता लेने में असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। राजदरबार के रास्ते पर बहुत से लोगों की भीड़ थी, सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। वो सब देखते चले गए, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र दिया है, और एक युवक कीचड़ में फंसे बैलगाड़ी का पहिया निकाल रहा है, और बाकी के लोग राज दरबार की ओर जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राज दरबार है, यहाँ पे वो रास्ता है, ये लोग है, और वो एक युवक कीचड़ में फंसे पहिए को निकाल रहा है, और वो आदमी बूढ़ा आदमी है, उसकी ये बैलगाड़ी है। तो आगे देखिए, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैल गाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो फौंप रहा था, कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। एक युवक था, उसका नाम था कर्मवीर, जो कि वो भी राज दरबार में जाना चाहता था और मंत्री की चाहत रखता था। लेकिन जिस समय वो जा रहा था, उस समय एक वृद्ध रास्ते के किनारे बैलगाड़ी में बैठा था, और उसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। उसे रहा न गया, वो तेजी से बैलगाड़ी वाले के सहायता के लिए दौड़ा। उसने बहुत से प्रयास किए, उसने बैलगाड़ी का कीचड़ से निकालने का बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने का प्रयास किया, और वो कर रहा था। ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीर को दरबार में जाना था, राज दरबार में जाना था। उसने चिंता नहीं की, उसने अपनी चाहत की, अपने मंत्री बनने की चाहत की चिंता न करते हुए, उसकी ओर ध्यान न देते हुए वो सीधा कीचड़ में उतरा और बैलगाड़ी का पहिया निकालने लगा, और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का वो पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और कुछ इनाम भी देना चाहा, पर उसने मना कर दिया, विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने के आशंका से, यानी कि देर हो जाने के कारण वो तेजी से राज दरबार की ओर भाग पड़ा। वो बहुत थक गया था, वो हांफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार इस स्थिति में उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि
स्वयं जगत मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वो सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलचंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखिए, कर्मवीर दौड़ते दौड़ते राज दरबार में पहुंच गया। वो हौंपने लगा था, वो थक गया था। उसी समय वो बैलगाड़ी वाला आदमी दरबार में पहुंचा। वो बैलगाड़ी वाला आदमी दूसरा तीसरा कोई नहीं था, वो स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को बताई। क्या बताई? उन्होंने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वो गुण है जो एक राज्य चलाने के लिए काफी है। कर्मवीर में वो सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जगतराम की वो सारी बातें जानकर राजा मंगल सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो आदमी सामान्य लोगों की सामान्य जनता की पीड़ा को जानता है, जो आदमी सामान्य लोगों की पीड़ा से दुखी होता है, वही राज्य करने लायक होता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने लायक होता है, वही उसका अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस तरह कर्मवीर राज्य के नए मंत्री बन गए। अपनी योग्यता की वजह से कर्मवीर ने मंत्री जगतराम की जगह ले ली। इसलिए अपने जिंदगी में, अपने जीवन में योग्यता ही सब कुछ है। अगर अपने पास योग्यता होती है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ ही पाएंगे, क्योंकि आप अपनी योग्यता देखने वाला, ढूंढने वाला, ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो योग्यता की खोज में निकल पड़े हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल का सब्सक्राइब करो।